हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचडी टेक्निकल क्लासेस। मैं आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से नवरात्र प्रारंभ है, तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं, नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि सबके मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपको वन ईयर कैलिपर से। वन ईयर कैलिपर के थ्रू हम कैसे मेज़र करते हैं, तो मैं उसको एज अ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें होती है वन ईयर कैलिपर में, उसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होते हैं वो आज हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट न करते हुए। तो ये जो आप लोग मेरे हाथों में देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है वन ईयर कैलिपर। ठीक है दोस्तों, ये होता है वन ईयर कैलिपर। इसका जो नाम वन ईयर कैलिपर पड़ा, इसको जो है जो वैज्ञानिक थे पैरी वर्नियर, उसके नाम पर ही इसका नाम जो है वर्नियर कैलिपर रखा गया। अब मैं इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नहीं, सबसे पहले मैं इसको एक डेफिनेशन बताना। ये जो है प्रत्यक्ष मापी, मतलब कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर जो है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से हम किसी कंपोनेंट की लेंथ मेज़र कर सकते हैं, विड्थ मेज़र कर सकते हैं, या लंबाई चौड़ाई, साथ साथ इसके जो डेप्थ रात होते हैं उससे गहराई भी मेज़र कर सकते हैं। इंटरनल पर अंदरूनी मापों को भी इसके सहायता से हम मेज़र किया जा सकता है। कितने एमएम इसकी जो एक्यूरेसी होती है, वो जो है 0.02 एमएम तक की एक्यूरेसी होती है, और ये जो है वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, इसके देख लेते हैं कंस्ट्रक्शंस कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा, इसको जो है मूवेबल जा बोला जाता है, और इसको जो है फिक्स जा बोला जाता है। और जो ऊपर ये जो है आपका मूवेबल जा, ये जो मूव कर रहा है इसको मूवेबल जा, और इसको जो है फिक्स जा बोला जाता है। और ऊपर जो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड, इसको जो है निप्स बोला जाता है। इसकी सहायता से हम जो है इंटरनल जो भी अंदरूनी माप रहते हैं उसको हम जो है मेज़र करते हैं। और यहाँ पर आपको नर्लिंग स्क्रू दिख रहा होगा, तो इस स्क्रू की सहायता से हम जब किसी कंपोनेंट को मेज़र करते हैं तो हम इसको लॉक कर देते हैं, तो इसको जो है लॉकिंग स्क्रू बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ जो है मूवेबल पार्ट के ऊपर जस्ट आपको जो है स्केल दिख रहा होगा। मैं आपको पास लाकर एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्केल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो नीचे जो है यहाँ पे स्केल बना हुआ है, इसको जो है वर्नियर स्केल जो है बोला जाता है। ठीक है, और ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बीच में जो बना हुआ है, इसको मेन स्केल या फिर बीम के नाम से भी जाना जाता है, इसको बीम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद रहा होगा इसको जो है डेप्थ राड बोला जाता है। यहाँ पे इससे हम जो है गहराई को मेजर करते हैं, ये हमारा डेप्थ राड होता है। तो ये जो है इसके पार्ट्स हुए। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके लिस्ट का, इसके एक्यूरेसी के। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, जो है हमारा सामान्य प्रकार के वर्नियर कैलिपर से हम जो है लिस्ट काउंट क्या है, अल्पतमांक बोला जाता है उसको, अल्पतमांक। जो हमारा सामान्य वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो है अल्पतमांक, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में लिस्ट काउंट, या शॉर्ट में एलसी भी बोला जाता है, तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 एमएम ब्रिटिश प्रणाली में। और आज का जो भी मैं मेज़र करने के लिए सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, वो जो है मेट्रिक प्रणाली में होगा। ठीक है, तो इसका जो है मेट्रिक प्रणाली में जो अल्पतमांक है वो कितना होता है, 0.02 एमएम। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें जो है एरर क्या होते हैं। इसमें जो है दो प्रकार के एरर होते हैं, एक बोला जाता है निगेटिव एरर और दूसरा बोला जाता है पॉजिटिव एरर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किसी भी कंपोनेंट को अपने वर्नियर कैलिपर से मेज़र करने से पहले हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वर्नियर कैलिपर है, इसका एरर चेक करना। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में अगर किसी भी प्रकार का एरर है, तो जो है हमारा जो रीडिंग लेंगे वो रीडिंग हमारा कभी भी सही नहीं होगा। अगर निगेटिव एरर है तो भी गलत हो जाएगा, पॉजिटिव एरर है तो भी गलत हो जाएगा। तो अब सवाल हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे कैलिपर या हमारे इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर है तो हम क्या करें। तो चलिए बताता हूं मैं। सबसे पहले हम जो है, मैं अपने वर्नियर कैलिपर दिखाना चाहूंगा। इसमें जो है आप इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो है जीरो देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो है, बिल्कुल आपस में मिल रहा है, तो ये हमेशा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो यहाँ पे
जो वर्नियर स्केल आपको नीचे दिख रहा है, इसमें जो है कुल 50 भागों में बांटा हुआ रहता है। कितने भागों में? 50 भागों। यहाँ पे जो लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है वहाँ तक का 5 भाग, दो लिखा है वहाँ तक का 10 भाग, इसी प्रकार जो 10 लिखा है यहाँ तक का 50 भाग, जो वर्नियर स्केल है उसको कुल जो है 50 भागों में बांटा गया होता है। अब बात करते हैं ऊपर, जो हमारा मेन स्केल रहता है वो जो है मेन स्केल का 49 भाग जो हमारा वर्नियर स्केल के 50वें भाग से मैच करता है, तो हमारा वर्नियर कैलिपर बिल्कुल सही है, इसमें जो है जीरो एरर है और हमारा वर्नियर कैलिपर यही होना चाहिए, ठीक है, जीरो एरर। अब मान लो मैं बात करता हूँ दो एरर जो मैं बताया था, निगेटिव और पॉजिटिव एरर। अगर मान लो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है, अगर हमें पूरा बंद करने पर, हमें जो है पूरा बंद करने पर इस प्रकार से दिखाई देता है, जो उसका जीरो है वो है हमारा, जो हमारा मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल के जीरो से अगर कहीं आगे निकल जा रहा है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए अगर हमारा मेन स्केल यहाँ पे मेन स्केल का जीरो जो है, वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से, मान लो ये हमारा डेटम लाइन है, यहाँ पे जो है मेन स्केल का जीरो है और नीचे जो है वर्नियर स्केल का जीरो, अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो आपस में मैच नहीं करता, मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, अगर जो है हमारा वर्नियर स्केल का जीरो जो है हमारे मेन स्केल के जीरो से आगे निकल जाता है, कब? अगर शून्य से आगे निकल जाता है, तो इस एरर को बोला जाता है पॉजिटिव एरर। क्या है? इस एरर को बोला जाता है पॉजिटिव एरर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, पॉजिटिव एरर। अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर हो तब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में अगर पॉजिटिव एरर है तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में जितना पॉजिटिव एरर है, मान लो ये जो है 1 या 1.5 mm, मतलब कि 1.5 mm आगे है हमारे वर्नियर मेन स्केल के जीरो से, जो वर्नियर स्केल का जीरो है 1.5 mm अगर आगे है, तो हमारे वर्नियर कैलिपर में कितना, 1.5 mm जो है क्या हुआ, पॉजिटिव एरर हुआ, ठीक है, 1.5 mm जो है पॉजिटिव एरर हुआ। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर से पर है उससे रीडिंग करने के पश्चात मान लो हमें कोई माप प्राप्त हो, मान लो जैसे हमें 12.5 मिला, हमें उसका रीडिंग जो है 12.5 मिला, तो ये हमारा एक्चुअल या सही रीडिंग नहीं होगा, हमारे में क्या है जो है 1.5 mm जो है पॉजिटिव एरर है। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एरर में जो हमें रीडिंग मिलता है उस रीडिंग को हम माइनस करते हैं, तो 1.5 mm को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 11.00 mm आएगा, ये हमारा एक्चुअल और सही रीडिंग होगा। मतलब कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है अगर उसमें पॉजिटिव एरर है, तो जितना पॉजिटिव एरर रहेगा हम उतना जो है अपना एक्चुअल रीडिंग में जो हमें रीडिंग प्राप्त होता है उसमें हम जो है उतना माइनस करते हैं, तब हमें जाके क्या है एक्चुअल रीडिंग प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं निगेटिव एरर की, उसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव एरर की। अगर जब कभी हमारा मान लो ये मेन स्केल का जीरो हुआ और नीचे वर्नियर स्केल हुआ, अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जा रहा है, ठीक है, मेन स्केल के जीरो से हमारा वर्नियर स्केल का जीरो अगर पीछे जा रहा है, तो इस स्थिति में जो एरर होता है उसको बोला जाता है निगेटिव एरर, ठीक है, इस स्थिति में जो एरर होता है उसको क्या बोला जाता है, निगेटिव एरर। तो इस स्थिति में जितना निगेटिव एरर, मान लो हमारे वर्नियर कैलिपर में 0.5 mm निगेटिव एरर है, तब हम क्या करेंगे, जितना हमें रीडिंग प्राप्त होगा, मान लो हमें 12.35 इतना रीडिंग हमें जो है प्राप्त हुआ मेजर करने के पश्चात, तो हम क्या करेंगे, 0.5 mm हमारा क्या है, निगेटिव एरर है, तो हम इसमें 0.5 mm जो है जोड़ देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग प्राप्त होगा 0.85, ये हमारा आंसर होगा। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जो हमारा निगेटिव एरर रहता है, तो जितना निगेटिव एरर रहेगा वो हमें रीडिंग लेने के बाद उतना जो है हम जोड़ देंगे, और अगर हमारा पॉजिटिव एरर है तो रीडिंग लेने के बाद जितना रीडिंग प्राप्त होता है उसमें हम जो जितना पॉजिटिव एरर रहेगा हम उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो बात हुई पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर की। अब बात कर लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाला कैसे जाता है, ये बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो उसका जो है लिस्ट काउंट पता होना, तो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है मैं अभी बताऊंगा, जिससे आप कैसे भी वर्नियर कैलिपर हो आप लिस्ट काउंट उसका मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है ऊपर जो मेन स्केल रहता है उसमें जो खाने हैं 1-1 mm, मैं एक बार मेन स्केल दिखाना चाहूंगा कि इसमें जितना लेंथ होता है उसका उतना हम लेंथ मेजर कर पाते हैं। जैसे कि
आपको देखिए इस वर्नियर कैलिपर में 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का मतलब हम इससे 150 mm तक का मेजर कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो निशान दिख रहा होगा ऊपर मेन स्केल में जो आपको निशान दिख रहा है वो बिल्कुल 1-1 mm पर है, जो निशान ऊपर मेन स्केल वाला बोल रहा हूँ, ऊपर वाला जो लाइन बना हुआ है वो कितनी कितनी दूरी पर है वो बिल्कुल 1-1 mm पर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो मेन स्केल के क्या है, मेन जो हमारा मेन स्केल के एक खाने का मान, मेन स्केल के एक खाने का मान कितना होगा, 1 mm होगा, क्योंकि हमारा जो है दूरी कितने 1-1 mm पर है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, कितना वर्नियर स्केल है उसमें कुल भाग 50 भाग रहते हैं, ठीक है। हमारा कुल देखिए इसमें जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था 50 भाग रहता है, ठीक है। वन ईयर स्केल को 50 भाग में बांटा जाता है, तो वन ईयर स्केल का 50 भाग जो है मेन स्केल के कितने भागों पे मैच करते हैं, 49 भागों में। तो ये जो है क्या होगा, जो वन ईयर स्केल का जो है कितना भाग, 50 भाग, ठीक है। वन ईयर स्केल का 50 भाग जो है हमारे मेन स्केल के कितने, 49 भाग के बराबर रहता है, ठीक है। अब यहां से हमें वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है, ठीक है। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है, तो यहां से वर्नियर स्केल के एक भाग का मान क्या हो जाएगा, यहां से अब हम पक्षांतर कर देंगे, तो 50 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो एक वर्नियर स्केल बराबर क्या हो जाएगा, मेन स्केल के कुल भागों की संख्या 49 बटे वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या 50। यहाँ पे हमें मिल गया क्या चीज, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान इतना मिल गया और मेन स्केल के एक खाने या एक भाग का मान हमें 1 mm। तो हमें लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है, मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। यहां से आप इसको निकाल दिए तो यहां से लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो जैसा कि हमने मेन स्केल के एक भाग का मान, एक खाने का मान कितना है, 1 mm, 1 mm को नहीं लिखते क्योंकि यहां mm में ही मेजर कर रहे हैं। उसके बाद जो है वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना है, 49/50। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, ये 50 के इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 50 - 49/50। यहाँ से हो जाएगा 1/50 और जब हम 1 को 50 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.02 mm। यही हमारा क्या होता है, वन ईयर कैलिपर की एक्यूरेसी है। इसी तरीके से जो है वन ईयर कैलिपर का एक्यूरेसी ज्ञात किया जाता है। होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको मान समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब जो है हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके कि वर्नियर कैलिपर से हम माप कैसे लेते हैं। यहाँ से हमें जो है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पता चल गया, एरर पता चल गया, उसके भागों के बारे में पता कर लिए और जो भी जितने भी जरूरी चीज़ है वो हम पता कर लिए। अब मेरे पास एक जॉब एक कंपोनेंट रखा हूँ, इसको हम मेज़र करके बताते हैं। तो देखिए इसको मैं मेज़र करके बताता हूँ। ये आपको एक कंपोनेंट दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं पहले सबसे पहले विड्थ मेजर करता हूँ, इसका विड्थ। तो विड्थ मेजर करते हैं तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा होगा मेन स्केल उस पर बिल्कुल टिका के रखना है। टिका के रखने के बाद जैसे अपने जॉब को पूरा टिका दिए फिर हमें लॉकिंग स्क्रू से इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अपने जॉब को जो है बाहर निकाल लेना है, जॉब को वहाँ रख देते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले जो है हमें रीडिंग लेने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर वर्नियर स्केल का जो है रीडिंग VSR वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब जो एक्चुअल रीडिंग है लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या है मेन स्केल डिवीजन चाहिए। मेन स्केल के कौन से डिवीजन कितने डिवीजन पे है उसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन उसका गुणा जो है लिस्ट काउंट से करना है फिर हमें जो है वर्नियर स्केल का रीडिंग पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने जो है इस कंपोनेंट को मेज़र कर दिया है। उसके बाद लॉक स्क्रू से मैंने सबसे पहले इसको यहाँ रखा फिर अपने लॉकिंग स्क्रू से मैंने इसको लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने अपने कंपोनेंट को जैसे का तैसा रख दिया। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना है मेन स्केल डिवीजन। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें मेन स्केल डिवीजन कहाँ पे है।
तो हमें मेन स्केल डिवीजन में ये देखना है कि हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो पे कहाँ मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ 10, ये हुआ 11, तो 11 के बाद आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो वन ईयर स्केल का जीरो है वो 11 से आगे है और 12 से पहले है। तो हमें जो जिससे पहले उससे नहीं लेना, जिसके बाद है वो लेना है। तो ये 11 के बाद है, तो हमारा जो मेन स्केल डिवीजन है वो कितना हो जाएगा, 11 mm। तो हमारा मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 11 mm। उसके बाद प्लस कर देते हैं, फिर हमें क्या देखना है, वन ईयर स्केल डिवीजन। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वर्नियर, अब हमें ये देखना है कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसका कौन सा लाइन जो है हमारे मेन स्केल के साथ जो है मैच कर रहा है, कौन से लाइन के साथ जो है मैच कर रहा है। चलिए अब देखते चलिए आप भी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो, नीचे जो दो लिखा हुआ है, दस वाली लाइन जो है हमारा मेन स्केल के साथ जो है मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिल गया। अब हमें वन ईयर स्केल क्या मिला, कौन सा नंबर का लाइन मैच कर रहा था, 10 नंबर का, गुणित जो इसका एलसी लिस्ट काउंट, हमें पहले से ही पता है कि वन ईयर स्केल का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। अब पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 10 का 0.02 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0.20 हो जाएगा। तो जो हमें फाइनल रीडिंग प्राप्त होगा वो क्या होगा, 11.20। तो इस तरीके से जो है वन ईयर स्केल की सहायता से जो है मेजर किया जाता है। होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं एक और रीडिंग करके आपको बताता हूं। चलिए अब इसी का जो हमारा जो कंपोनेंट लिए थे इसी का अब मैं आपको लेंथ मेजर करके बताऊंगा। वन ईयर कैलिपर से रीडिंग लेना बहुत ही आसान है, बस आप इस वीडियो को देखिए अंत तक, एक बार में आप बिल्कुल समझ जाएंगे पूरा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन स्केल से टिका लिया अपने जॉब को, फिर पूरे जो मूवेबल जाए उसको टाइट कर लिया, फिर मैं इसको लॉकिंग स्क्रू से जो है टाइट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने कंपोनेंट को रख दिया वापस। अब सबसे पहले हमारा कार्य क्या रहता है, मेन स्केल देखना। तो सबसे पहले जो है अपना मेन स्केल दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो सबसे पहले जो है मेन स्केल दिखाता हूँ यहाँ पे, आप मेन स्केल देखिए कि मेन स्केल का जीरो जो है वन ईयर स्केल के जीरो पे कहाँ मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 मतलब 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम एमएम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मेन स्केल है वो वन ईयर स्केल के जीरो कहाँ पे मिल रहा है, मेन स्केल का 60 से आगे निकला हुआ है हमारा वन ईयर स्केल का जो जीरो है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन स्केल का रीडिंग है, जो हमारा मेन स्केल का रीडिंग है वो कितना हो जाएगा, 60 प्लस। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अपने वन ईयर स्केल का डिवीजन देखेंगे कि वन ईयर स्केल जो है मेन स्केल के साथ कहाँ मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे वन ईयर स्केल जो है मेन स्केल के साथ कहाँ मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 के बाद आगे 32 नंबर पे जो हमारा वो है वन ईयर स्केल वो बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे पहले वाला जो लाइन लगे इससे पहले यहाँ पे जो है मैच कर रहा है, कितने नंबर पे, 32 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे वन ईयर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 32, और इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm। चलिए इसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस अगर हम 32 का इंटू जो है 0.02 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.64। तो हमारा जो पूरा रीडिंग जो वन ईयर स्केल रीडिंग है वो निकल के कितना आएगा, 60.64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वन ईयर कैलिपर से मेज़र किया जाता है। अब अभी तक तो हमने जो है एक्सटर्नल चीज को मेजर किया, चाहे लेंथ मेजर किए विड्थ मेजर किए, अब मैं आपको जो है इंटरनल से भी मेजर करके इसके जो निप्स होते हैं उससे भी मेजर करके आपको बता देता हूं, जिससे कि और जो भी डाउट हो वो सब क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये अपने जॉस को फैलाया, फिर जो है अपने लॉकिंग स्क्रू को टाइट किए, फिर अपने कंपोनेंट को निकाल लिए। अब
वही हमारा जो काम रहता है वही करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मेन स्केल कहाँ पे मिल रहा है, फिर मैं हर बार की तरह आपको फिर से दिखाऊंगा कि वन ईयर स्केल का जो मेन स्केल है वो कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा 10, 11, 12 और 13, 13 पे मिल रहा है, लेकिन 13 से कुछ आगे है। तो हमारा जो मेन स्केल है डिवीज़न वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। प्लस उसके बाद जो है हमें क्या देखना है, वर्नियर स्केल का देखना है। तो वर्नियर स्केल का हम देखेंगे कि कहाँ पे मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल का जो है वो मिल रहा है आपका 11 नंबर पे मिल रहा है। तो ये आपको अच्छे से देखना है, जो मिल रहा है उसी को देखना है, आप आगे पीछे करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर का मिल रहा है हमारा। उसके बाद इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, तो यहाँ से हो जाएगा 13। जब 11 का 0.02 से देखिए यहाँ पे क्या है, ये 13 जैसे का तैसा। उसके बाद जब 11 का इंटू जो है 0.02 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.22 mm। उसके बाद जो है पूरे को सॉल्व करेंगे तो 13.22 mm, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वर्नियर कैलिपर से जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट रीडिंग मैं आप लोगों को करा दूं डेप्थ से, जो इसका डेप्थ रॉड है उससे हम मेजर कैसे करते हैं। तो देखिए मेरे पास कोई कंपोनेंट है नहीं, तो मैं अपना मार्कर का कैप ले रहा हूं। देखिए ये भी जो है गहराई में रहता है, तो हमने सबसे पहले अपने जो डेप्थ रॉड है उसको इसके अंदर वो किया, खोला, फिर जो अपने बेस पे इसको जो है बैठा लिए, उसके बाद जो लॉकिंग स्क्रू से टाइट कर दिए, इसके बाद अपना वन ईयर कैलिपर वापस लिए, फिर सेम अपना मेन स्केल देखते हैं। वन ईयर स्केल रीडिंग के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले मेन स्केल। तो मेन स्केल कहाँ पे मिल रहा है ये मैं फिर से हर बार की तरह आपको फिर से दिखा देता हूँ कि 25, 26, 27। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 27 के बाद है वो जो वन ईयर कैलिपर का, वन ईयर स्केल का जीरो है वो 27 पर है। तो हमारा मेन स्केल डिवीज़न कितना, तो जो हमारा मेन स्केल डिवीज़न है वो कितना हो जाएगा, 27। उसके बाद हमें क्या देखना है, वन ईयर स्केल डिवीज़न प्लस लिस्ट काउंट। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि वन ईयर स्केल डिवीज़न कहाँ पे जो है मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 16वें नंबर का लाइन है, 15 के बाद 16वें नंबर का लाइन मेरे अकॉर्डिंग जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वन ईयर स्केल रीडिंग है वो कितना हो जाएगा, 16। फिर इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm। तो यहाँ से 27 प्लस 16 का जब इसके साथ इंटू करेंगे तो 0.32, तो ये हो जाएगा 27.32, ये हमारा जो है फाइनल रीडिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है वन ईयर कैलिपर से मेजर किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार देखा है, जो पूछा ही जाता है हमेशा। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि मान लो कोई वर्नियर कैलिपर जिसमें क्या है उसके मेन स्केल डिवीज़न के 19 भागों को, जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है क्या है, मेन स्केल डिवीज़न के 19 भागों को जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है उसके 20 भागों के साथ बांटा है, तो उस वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी जो है क्या होगी। अगर मान लो हमारा मेन स्केल के डिवीज़न के 19 भागों को वर्नियर स्केल के डिवीज़न के 20 भागों के साथ बांटा गया है, तो हमारी एक्यूरेसी जो वर्नियर कैलिपर की वो चेंज हो जाएगी। किस तरीके से निकालते हैं, मैंने फार्मूला बताया था कि लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, वन ईयर स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल के एक भाग का मान बटे वन ईयर स्केल के एक भाग का मान, ठीक है, एक एमएसडी बटा माइनस एक वीएसडी।
जो हमारे वर्नियर एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 mm ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे तो 19/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 19/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20-19/20, तो ये हो जाएगा 1/20। और जब इसका एक्चुअल हम LC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 mm। तो इस तरीके से आप कुछ भी क्वेश्चन अगर घुमा कर देता है तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं, ये तो हमारा मैट्रिक पद्धति होगी, मैट्रिक में हम कैसे मेजर करते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रणाली में जो है वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर कैसे किया जाता है। तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह की अच्छी और नई नई जानकारी के लिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय।